हुआ है कि जब हम छोटा था ना, थोड़ा कोई 7-8 साल का रहा होगा, तो हम एक दुकान में गए अपना माता जी के साथ, और जो है बाहर निकल के उनको एक चीज़ दिखाया जो हम लिया था, तो माता जी तिलमिला सा गया और चट करके एक थप्पड़ रसीद गया और बोला कि किसी का कोई चीज़ लेता है तो उसमें परमिशन नहीं लेगा क्या, कोई सहमति नहीं लेगा, किसी से पूछेगा नहीं, ऐसे करते हैं। अब जो हम थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, थोड़ा हैंडसम हो गए हैं, थोड़ा बुद्धिमान हो गए हैं, तो अब लगता है कि जब बात प्यार का आता है तो ये जो परमिशन है, ये जो सहमति है, ये कहीं गायब सा हो जाता है। भाई देखिए, प्यार क्या है? प्यार में दो लोग एक दूसरे को बराबरी से चाहता है, एक दूसरे बराबरी पर रहा है कुछ दिमाग में कि नहीं। अब थोड़ा पर्सनल बात बताएं तो कॉलेज में था हमको भी इसके एक लड़की से इश्क था, तो एक दिन हम क्या किए कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ, टोटल कॉन्फिडेंस के साथ जा करके जो है उन्हें रिस्पेक्टफुली बता दिए। अब वहां से जवाब आया कि भाई हम तुम्हें कभी इस नज़र से देखा नहीं, माँ कसम, यहाँ जाकर के बात लगी, लेकिन मजाल है एक भी दिन हो जो कभी हमने उनका पीछा किया हो या उनको डिस्टर्ब किया हो या कोई जोर जबर किया। कुछ लौंडों ने हमें भड़काने की भी कोशिश करी, बोले क्या करता है, जाओ ना हीरो बन करके, वो गाना नहीं सुने हो कि छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तो हम उनको बोले, हाँ वो गाना हम सुने हैं, लेकिन एक और गाना भी सुने हैं कि तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा काम। अरे भाई जब धर्मेंद्र कह सकता है तो हम भी कह सकता है। अब देखिए, एक हम आपको उदाहरण देते हैं कि यदि आपसे कोई चाय पूछेगा और आपका पीने का मन नहीं, और ला करके वो गर्मा गर्म चाय आपके मुंह में उड़ेल देगा, तो आप पियेंगे का नहीं ना पियेंगे? ऐसा ही कुछ प्यार के साथ है, सहमति बहुत जरूरी है भाई। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो डिजिटल इंडिया करता है, लव मैटर का वेबसाइट पे जाइए ना और पढ़िए इसके बारे में, कितना सब जानकारी है वहां।